हेलो एवरीवन, सहानी फूड में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आज दही जमाया है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि परफेक्ट होममेड दही कैसे बनाया जाता है। बहुत लोगों का कहना होता है कि हम गाय के दूध से परफेक्ट दही नहीं बना सकते। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पता चल जाएगा कि मैंने गाय के दूध से परफेक्ट दही कैसे जमाई, वो भी बहुत ही गाढ़ी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ और इसे मैं पूरा दिखाती हूँ कि परफेक्ट दही कैसे बनाई जाती है। तो आप देख ही सकते होंगे कितना परफेक्ट बना है ये। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको डेयरी वाली दही बनाना सिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और अगर हो सके तो आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली वॉच करते रहें, मैं बहुत जल्द वो भी डालने वाली हूँ। तो चलते हम अपने किचन में। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे हाफ लीटर दूध लिया है, जिसे मैं बॉईल होने के लिए रख दी हूँ गैस पे। ये जैसे ही बॉईल हो जाए तो मैं आपको बताऊँगी कि हमें इसे क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर हाफ लीटर गाय का दूध लिया है, मैंने दही के लिए गाय का दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे हमें 10 मिनट तक उबालना है। तो उबाल आ चुकी है, तो अब हम यहाँ से और इसे 5 मिनट तक उबालेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ और इसे मैंने एक स्टैंड के ऊपर रख दिया है। और इसे हम अच्छे से फेंटेंगे पहले, और इस तरीके से फेंटेंगे कि इसमें ऊपर बुलबुले आ जाएं और धीरे धीरे ये ठंडा हो। तो मैंने फ़ैन के नीचे इसे रखा है, इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए, हमारा ठंडा हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे जिस बाउल में मुझे दही जमाना है, मैंने उसमें दूध को डाल दिया है। और अब इसे अच्छे से मैं फेंटूंगी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि बहुतों की शिकायत होती है कि गाय के दूध से हम घर पर परफेक्ट दही नहीं बना सकते। तो मैं आप इस वीडियो को फॉलो करें तो आपको गाढ़ी दही मिल जाएगी, वो भी गाय के दूध से। और ये बनाना बहुत इजी है, आप कभी भी होममेड कर्ड बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये सेटल्ड हो चुका है, मैं उंगली डाल के दिखाती हूँ। तो इतना गर्म है कि मैं अपनी उंगली इसमें बर्दाश्त कर सकूं। तो हमें ऐसा ही चाहिए। तो नीचे मैंने एक कंबल के ऊपर रखा है इसे, और इसे अच्छे से मैं कवर करूंगी। तो मैं आपको दिखा रही हूं कि यहाँ पे अच्छे से बबल्स आ चुके हैं और ये अच्छे से ठंडी भी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें अपने कर्ड, जो मैंने जोड़न के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो डालूँगी इसमें। तो ये देखिए, इसे हल्के हाथों से आप डाल दें।
और थोड़ी हल्के हाथों से ही मिलाएं, ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हाथों से। तो हमने अपना जोड़न को डाल दिया है, तो अब हम इसे एक प्लेट से ढक देंगे। और ब्लैंकेट से अच्छे से इसे कवर कर देंगे पूरी तरीके से, कि कहीं से भी ये हवा ना जाए और दूध जो हमारी जितनी गर्म थी वो अंदर गर्म ही रहे और हमारी दही बहुत जल्दी बन जाए। तो मैं आपको बता दूँ, मुझे इसे बनाने में 3 घंटे लगे, इससे ज़्यादा नहीं लगे। तो 3 घंटे में आप अपने कर्ड को इस प्रोसेस से बना सकते हैं। तो ये देखिए 3 घंटे हो चुके हैं, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, तो देखते हैं कि बना है या नहीं। तो हमारी दही ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छी तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से मेरी दही अच्छे से जम चुकी है। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है, मैं इसे कट करके अच्छे से दिखाऊंगी कि मेरी दही कितनी गाढ़ी हुई है और कितनी अच्छी तरीके से जमी है। मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ, मैं कोई फेक नहीं दिखा रही, मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ कि दही रूम टेम्परेचर में जमने के बाद कैसी दिखती है। आप देखें कि आपको अंदाज़ा हो, आप फेक वीडियोस पे मत जाए। तो ये देखिए दही हमारी परफेक्टली बन चुकी है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, एकदम गाढ़ा जो हमें रेस्टोरेंट में खाने को मिलता है। तो आप घर पर भी परफेक्टली दही बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और बहुत जल्द मैं आपको डेयरी वाली दही कैसे बनाते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी, जिसमें उसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहता है, पर टेक्सचर ऐसी ही रहती है, पर इससे ज़्यादा गाढ़ी रहती है। तो मेरे इस चैनल को आप वॉच करते रहे। ये देखिए मैं स्पून पे दिखा रही हूँ कितनी गाढ़ी हुई है। आप होममेड कर्ड बहुत इजीली बहुत